काला महादेव मात्रे, उसको बोलो हमारे सामने आया अगर उसमें हिम्मत है तो। बहुत सुन लिया तुम्हारा, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, सामने आओ हमारे। उर्मिला क्या बोलती पब्लिक? तुम्हारी मैया की सासू मैया, वर्दी का इज्जत का उम्मीद तुमसे हम कर भी नहीं सकते थे। कैप निकालो। ए? ए, क्या रे? मेरा इलाका, मेरे बाजू में गुंडे खड़े, तू काहे के लिए मेरे पे दोष जमाती रे? नहीं निकालती टोपी, जा क्या करेगी? और सुन, उधर आके खड़ी हुई है ना, हिम्मत है तो इधर आके दिखा। जाओ रे। कहा था करिश्मा सिंह कि हम जरूर लौटेंगे, हम आ गए। बाहर जाने के लिए, और ये वर्दी, इस वर्दी में तुम बिल्कुल नहीं रहोगी, इस वर्दी से निकलो तुम अभी। क्या अभी? करिश्मा सिंह, एक मिनट रुको, दिख रहा है ना हम बात कर रहे हैं? करिश्मा सिंह, हम आपसे सच कह रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है? तुम हमारी तरफ हो या इसकी तरफ? पार्टी बदल ली, मारो इन दोनों को। भाई साहब, करिश्मा सिंह याद कीजिए वो मिशन जब हम दोनों के शरीर पर बॉम्ब लगा हुआ था, लेकिन आपने आखिरी मिनट पर बहादुरी दिखाकर हम दोनों को बचा लिया था।
तब पहली बार मैंने आपकी आंखों में खौफ देखा था, हमें खो देने का डर। ये बात हमें कैसे पता होगी, सोचिए। बिल्कुल नहीं सुना मैडम सर, आपको बिल्कुल नहीं सुना, आपको होश में रहना, आपको होश में रहना। वो रानी वाला केस करिश्मा सिंह, वो रानी नाम की लड़की हमारे नाम पर पूरी दुनिया को ठग रही थी, उसने हमें मारने की कोशिश की थी, वो हमें चाकू मारने वाली थी, लेकिन आप हमारे बीच आ गई थी। करिश्मा सिंह, ये सब तुम्हें कैसे पता? करिश्मा सिंह याद कीजिए वो आखिरी पल जो हमने साथ में बिताया था, जब मीरा ने हम पर गोली चलाई थी, हम तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे थे, लेकिन आप थी, आप लड़ रही थी हमारी मौत से, आपने हमें जिंदा रखने की हर कोशिश की, याद है आप क्या क्या बकवास कर रही थी ताकि हम बेहोश ना हो जाए? आपको पता है वो संतू डेकोरेशन कर रही है आपको, इसलिए हम बता नहीं रहे थे आपके लिए, सब बर्थडे सरप्राइज है, ऐसे प्लान कर रहे हैं, सुन रही है आप हमारी बात को? फिर क्या हुआ था? फिर हम समझ गए थे करिश्मा सिंह कि हम जिंदा नहीं बचने वाले, इसलिए हमने लॉकर की चाबी आपकी जेब में डाली और आपको धक्का दे दिया गाड़ी से, जानती है क्यों? क्यों? क्योंकि उस वक्त हम डर गए थे करिश्मा सिंह, आपको खोने के नाम से डर गए थे। हमें दुनिया की हर सजा मंजूर है, लेकिन आपको खोता हुआ नहीं देख सकते। उस पल में हमें इस बात का एहसास हुआ करिश्मा सिंह कि हम खुद को मरता हुआ देख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं। करिश्मा सिंह उठिए, that's an order। चलो चीते संतू, हम निकल रहे हैं। और हाँ चीते, खुली आंखों से सोना। हाँ ठीक, गुड नाइट संतू जी। गुड। आप अभी तक मुंबई नहीं गई? और करिश्मा मैडम आप ठीक तो है ना? क्या ये मैडम, ये क्या हो गया है आपको? मैडम आप ठीक तो है? आप सही कहती है, ये लड़की जब भी आपके साथ रहती है ना कुछ मुसीबत खड़ी कर ही देती। और ढीड़ भी तो देखो कितनी हो गई, मैडम सर की वर्दी अभी तक नहीं उतार के रखी। सही कहती हैं आप, खुद को ना मैडम सर समझने लगी। ये मैडम सर है क्या? हाँ ये मैडम सर है, हमारी SHO हसीना मलिक, यही हमारी मैडम सर है। हे भगवान, आप कौन सी नई गुट्टी पिला दी आपको, कौन सा नया प्रपंच रचा दिया जो आपका सर फिर से घूम गया है और कह रही है आप ये मैडम सर है। जाते जाते भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना तुम। हाँ अरे ये यही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से यहाँ रहे और हमसे रोज के 2500 हड़प ले, मगर हम नहीं देने वाले पैसे। हाँ और हाँ। क्या फिर से आपका ये सब नाटक शुरू हो गया? अरे कौन जन्म का बदला ले रही है भाई, कहाँ है हम लोग के भावना के साथ इतना ज्यादा खेल रही है आप? ये हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, आप अपने घर पर बॉम्बे चली जाइए। ये मैडम, हमारे जाने से पहले आप सब ने हमारे लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी जिसमें हम शरीक तो नहीं हो पाए, लेकिन एक वीडियो मैसेज जरूर रिकॉर्ड करके भेजा था। सरप्राइज, हम यहाँ हैं। चौंक गए ना आप सब? आप सब ना खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। चलिए आज वो मैसेज हम खुद ही सुना देते हैं। आप सब खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं। क्या लगा आपको कि आप हमारी पीठ पीछे चुपके चुपके हमारा ही बर्थडे सरप्राइज प्लान करेंगे
और हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हम आप सबसे ज्यादा होशियार निकले। हम जानते थे कि आप कोई ना कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेंगे, इसलिए हमने पहले ही ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर लिया आप सबको सरप्राइज करने के लिए। दरअसल जो बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं वो पर्सनली कहना थोड़ा सा। थैंक यू। थैंक यू कि आप सब हमारी जिंदगी में आए, हमें इतना प्यार, इतनी इज्जत दी। हमारी अम्मी को लगता है कि हमारा आप सब से पिछले जन्म का कोई नाता है, और हम भी उस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि इतना प्यार, इतना अपनापन, इतनी खुशियां, इतने सारे लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। सच कहें ना तो इस वक्त, इस पल में अगर हमारी जिंदगी खत्म भी हो जाए तो हमें कोई गम नहीं होगा, क्योंकि हम सच में बहुत खुश नसीब हैं जो हमें आप सबसे मिलने का मौका मिला। आप सबके साथ थोड़ा सा ही सही वक्त बिताने का मौका मिला। एक पल की जिंदगी में इतनी सारी जिंदगियां जीने का मौका मिला, इसलिए प्लीज प्लीज हमसे इतना प्यार करते रहिए, क्योंकि हम भी आप सबसे बहुत 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 प्यार करते हैं। अब यकीन हुआ हम ही आपकी मैडम सर। मैडम सर, आपके सामने खड़े थे हम, रोते थे, मरते थे, तड़पते थे, पता नहीं, लेकिन आपने एक बार भी हमको ये नहीं बताया कि आप मैडम सर हैं। करिश्मा सिंह, जिस दर्द से आप गुजरी हैं, उसी दर्द से हर बार हम भी गुजरे। जितना दर्द आपको हुआ हमें याद करके आप सब जितना रोए उतना ही हम भी रोए, पर मजबूर थे, क्योंकि उस समय हम एक मिशन पर थे जिसके चलते हमें उर्मिला बनकर आप सबके बीच रहना पड़ा। चाहकर भी किसी के आंसू नहीं पहुंच पाए, आपको बता नहीं पाए कि हम ही हैं। हमेशा से आपके आसपास थे, आपके साथ थे, आपकी मैडम सर। सॉरी, सफेदी के चमकार चिकने ए टकलिया उम्मा सटक साथी और महातारी आइटम ए आइचा गावात बड़ा हसीना मलिक हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्रे हैं। अरे हम पूछ रहे हैं क्यों? क्योंकि सर वो उर्मिला महादेव मात्रे ही है, हसीना मलिक नहीं है, और ये बात आज वो खुद कबूल करने वाली है सर। हम सब जानते हैं। हाँ सर, ठीक है, बुलाओ उन्हें।
हिंद सर। जय हिंद। हाँ जी बताइए डीएसपी साहब को। क्या? वही जो तुमने हमसे कहा था। क्या कहा था? अरे वही कि तुम उर्मिला महादेव मात्र हो, हसीना मलिक नहीं हो। हमने कब कहा था? अरे वही कि तुम उर्मिला महादेव मात्र हो, हसीना मलिक नहीं हो। हमने कब कहा था? कल दारू के अड्डे पे। आपके कहने का मतलब है कि आप दारू के अड्डे पर गए थे? अरे हम दारू के अड्डे पे कुछ नहीं कर रहे थे, आप कर रही थी, आप दारू पी रही थी। कमाल है बुलबुल पांडे, याददाश्त हमारी गई थी और असर आप पर हो रहा है। मतलब अब तो आप चीजें इमेजिन करने लग गए हैं। आपको अभी भी हम किसी दारू के ठेके पर शराब पीते हुए दिख रहे हैं क्या? अरे क्या कह रही है आप, काहे झूठ बोल रही हो, काहे फंसा रही हो हमको, सारी झूठ बोल रही है। यही तो मर चुकी है सर। मर चुकी? अरे बुलबुल पांडे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर ये मर चुकी हैं, तो ये हमारे सामने कौन खड़ा है? उर्मिला महादेव मात्रे। सबूत क्या है? अच्छा सबूत तो ये खुद दे सकती है सर। इन्होंने खुद हमसे कल एग्री किया था, कहा था कि ये हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्रे है सर। पर ये ऐसा करेंगे क्यों? पहले बोलेंगे कि ये उर्मिला महादेव मात्रे हैं, फिर कहेंगे ये हसीना मलिक है। क्यों बोलेंगे ऐसा? अब सर ये तो यही बता सकती है। बताइए काहे आपने हसीना मलिक के मौत के राज को राज ही रखा, काहे ये उर्मिला महादेव मात्रे को यहाँ हसीना मलिक बना के स्थापित किया है थाने में, काहे 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 है? सर आप ऐसे कहा देख रहे हैं सर? सर हमारा हमारा बात का बिलीव कीजिए, ये हसीना मलिक नहीं है, उर्मिला महादेव मात्रे ही है। डीएसपी सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें लगता है कि काम का प्रेशर बुलबुल पांडे जी पर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आप इन्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए ताकि अपनी साइकियाट्रिक हेल्प ले सके और जब ठीक हो जाए फिर आ जाए ड्यूटी पर। सर हमरा विश्वास कीजिए, हम सब जानते हैं अगर इसके बाद कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें की और हमें खाने से उठाया तो तुम्हें सरकारी खर्चे में दिमागी अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। सर। और एक काम करो, कुछ दिनों की छुट्टी लो, उसके बाद आपका दिमाग एकदम ठिकाने पे आ जाएगा। हम चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। अब खड़े खड़े दीदे क्या फाड़ रहा है? अब डीएसपी साहब अपना जूता उठाकर तुझे मार मार के घसीट के गंदी नाली में तेरा मुंह डाल के बताएंगे, तब तुझे समझ में आएगा कि तेरी बेइज्जती हुई। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चल निकल यहां से। ऐसा आप कहते सर हमको, अगर हम आपकी जगह होते तो? अबे नैनसुख दरवाजा इधर है, उधर क्या देख रहा है? चल अरे हसीना जी वेलकम वेलकम। आज यहाँ? वो यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा मिलते चले। अच्छा किया। कैसा फील कर रही है अभी आप? हाँ बहुत बढ़िया है, मगर आज सुबह से ना अचानक खट्टी डकारे शुरू हो गई। हमें लगता है कल जो हमने गोलगप्पे खाए ना उसका जो पानी था ना वो थोड़ा सा ज्यादा खट्टा था, तो हमें वो खटास की वजह से शायद। हाँ अच्छी बात है, लेकिन मैंने इनसे पूछा है। मच बेटर डॉक्टर। गुड। और सर्दन? थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है, बट नथिंग मेजर। गुड, काफी इम्प्रूवमेंट है। तो ठीक है फिर हम चले। देखिए आपके साथ जो हुआ है ना उसे समझना उतना ही जरूरी है जितना ये समझना कि आपके साथ हुआ क्या है। सब जरूरी है मगर आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा ना। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये देखिए, ये देख रही हैं आप, ये आपका ब्रेन है, देखिए डॉक्टर साहब हम बहुत आयशा गावर तुझा बड़ा पावर, कितनी बात एक ही बार समझाएगा रे, और ये क्या पिक्चर पिक्चर दिखा के हमको कंफ्यूज कर रहा है? एक बार बोल दिया ना समझ में आ गया, बार बार काय को बोलता है रे? डॉक्टर साहब ये क्या किया आपने? देखिए आपके लेक्चर की वजह से हमारी अच्छी खासी हसीना मैडम फिर से उर्मिला बन गई। सॉरी मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा था। मगर समझ में भी तो आना चाहिए ना हमें। और हाँ वैसे भी समझदार को इशारा कॉफी है, एक बार बोलो तो समझ में आ गया, जास्ती बोलने का नहीं। चल मातारी आते रहिएगा प्लीज। हाँ हाँ हम लाते रहेंगे जी।
माँ मैं जीतूंगा माँ, मैं पक्का जीतूंगा माँ। क्यों इतना परेशान कर रहे हो, बार बार मत करो ना फोन। परेशान कर रहा है कौन है रे? कौन है संतोष जी? किसका ख्याल में इतना खुजली हो रहा है आपको? परेशान कर, हमको फोन दीजिए। एक सेकंड। हेलो। नहीं। अरे कारे बाबू, किसका फोन? पापा है मेरे। पापा, गुड, वेरी गुड। ये गया। चीती, सामने आओ, हमारे संतू जी को फोन कर रहा है। अरे इतना मार मारेंगे ना बेटा कि मार के तुम्हारा घुटना मुंह पर चढ़ा देंगे। संतू जी को फोन करके परेशान करता है। नाना नहीं, हट, नहीं। हट, हमारे अंदर का किली मंगजारो का ज्वाला जो है ना एकदम उखड़ गया है। अभी लावा तुमको गला के दम लेगा। अरे बेशरम इंसान, सामने आओ। चीती क्या कर रहा है, मुझे फोन दे। नहीं एक मिनट संतू जी, आऊंगा आऊंगा, सामने आऊंगा। क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लेगा? औकात दिखाएंगे तुम्हारा बेटा। बताओ ना बिल्लू जी, पापा है मेरे। नहीं नहीं, वो मुझे मार डालेगा, वो ज्वालामुखी है वो। बेटा डर रहा है क्या हमसे तुम? है कि फोन पर बतिया रहा है, सामने नहीं आ रहा। सामने आओ ना, तुम्हारे मुंह में लात देकर तुम्हारे छाती पर खड़े होकर तुमको फाड़ना दिए ना बीच से, तो फिर बोलना। आओ सामने, आओ सामने। सामने आऊंगा, हाँ बताऊंगा। और बोल, क्या बोला था? क्या बताऊंगा? सामने आऊंगा और बताऊंगा तुझे। चाचा चाचा पढ़ा चाचा, हाँ हाँ बोल, क्या क्या बोल रहा था? चाचा जी, कुछ नहीं हुआ, कोई बदतमीज है, गवा चिल्ला रहा है हमारे ऊपर। कौन कौन चिल्ला रहा है? आओ सॉल्व करो, हट हट हट। कितना लोग को सॉल्व कर रहे हैं हम चाचा जी? कब से हमें गालियां दे रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ देखो पापा, फोन काट दीजिए, फोन काट दीजिए। ऐसे कैसे रख दीजिए फोन? इतना परेशान किया, इतना गरियाया अंकल को, आज दो दो लोग का मौत लिखा है हमारे हाथों। अंकल अंकल, फोन इनको दे दो, वो सॉल्व कर देंगे। एक्सपर्ट है वो, पुलिस वाला एरिया गुंडा लोग जानते अच्छे से। जी जी लो। नहीं, हम स्पीकर ऑन। जी जी, हम दीजिए दो। जी हम करते। कारे कौन है? फोन पे कहां भौंक रहा है? सामने आके भौंकना भौंकना। क्योंकि दोनों तरफ तुम ही हो। अब तुम कहीं के नहीं रहे हो, तो वो बदतमीज इंसान तुम हो, गवार जाहिल। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम लोग। ऐसे दोस्त है तुम्हारे, है ना? सुन सर, बहुत बड़ी गलती होगी, हमको माफ कर। माफ नहीं करेंगे बेटा हम तुम्हें। क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं, मतलब मजाक कर रहे थे। वो नहीं, वो मुंह में ऐसे लात डाल के मुंह फाड़ दो। अच्छा, मुंह में लात डाल के करो ना, करो। मजाक में बोल रहे, बात करने की तमीज नहीं है। चीता, ये कैसे, ये क्या कर दिया तूने? अरे कौन शरीफ बाप अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ देगा? ठीक ठीक ठीक। पापा ये तो है ही ऐसा, आप अंदर चलिए। अंदर चलिए आप। ऐसा ही करते हैं बदतमीज। हाँ है पापा, जाहिल। हाँ पापा है, चलिए। संतु जी, संतु जी, संतु जी आराम से लेके जाना अपने पिताजी को। मित्र, तुमको पहले से पता था कि दूसरी तरफ संतु जी के पिताजी ही हैं? अनफॉर्चुनेटली यस, आई नो। शाबाश, आराम तुमको। मैडम सर रुकी तो। अरे आप कहाँ रह गई थी? आपके रिपोर्ट लेने गए। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात कहें, हम आपके लिए वड़ा पाव लेकर आए। वड़ा पाव क्यों? हाँ, वड़ा पाव क्यों? आपने तो दो मिनट के लिए हमें डरा ही दिया था, हमें लगा वापस उर्मिला आ गई। पुष्पा जी, अब उर्मिला भी तो हमारे ही एक हिस्सा है। हसीना से हमने डिसिप्लिन सीखा, कायदा कानून सीखा, सलीका सीखा, लेकिन उर्मिला से हमने जीने का तरीका सीखा। ये सीखा कि ना लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, मस्ती करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है मैडम सर। लल्ला के पप्पा वो भी हमें हमेशा कहते थे कि पू मस्ती करना बहुत जरूरी है। अरे ये तो लखनऊ सुपर को हसीना मलिक है। चल चल मिलकर मिल के आते हैं। पुष्पा जी ओवर एक्टिंग, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हीरो हैं आप हमारी। दिल्ली लाही, हम पुष्पा हैं। पुष्पा इन्हें हुआ क्या है? वो सब बाद में मैम, जल्दी जल्दी चलिए, इनको अंदर लेकर चलिए। चलिए मैडम सर, हमारी वजह से इन्हें, ये क्या हुआ? चलिए चलिए देखते क्या हुआ। मेरी उम्र नहीं है शादी की, मुझे नहीं करनी शादी। बस क्या करेगी फिर, बस टांग कर स्कूल जाएगी। हस। बेटा देख, यही उम्र होती है शादी की सही, समझे?
थोड़ा वक्त और गुजर गया ना तो फंगस वाले लड़कों से काम चलाना पड़ेगा। छी, आप कुछ भी बोलते हो पापा, मुझे शादी नहीं करनी, बस शादी तो करनी ही नहीं है। तो मैं क्यों आया हूँ लखनऊ? यहाँ पे लखनऊ आया हूँ टुंडे कबाब खाने? फिर हाजिर हो। देख बेटा, इस बार है ना मेरी बात मत डाल प्लीज। निठल्ले, तेरी सेटिंग के साथ ये संतोष जी के पिताजी दूसरे की सेटिंग लगा रहे हैं। बिना शादी के रिटायर हो जाएगा तू? ना ना ना, ऐसे मत बोल रे मनहूस मानव। जब मुंह खोलेगा गोबर का उल्टी करेगा तू। कितना फालतू बोल रहा, ऐसा हुआ ना बिलौटे तो सल्फास का गोली चाट कर मर जाएंगे हम, देवदास बन जाएंगे हम। बापूजी ने कहा शराब छोड़ दो। क्यों? ये बोतल बापूजी को चाहिए थी। अरे रे बिलौटे रे, हमारे फ्लैश फॉरवर्ड में भी आ गया, हमारा फ्लो बिगाड़ने के लिए कौन दुश्मनी है? अरे निठल्ले, फ्लो को छोड़, मैं तेरा चेहरे का ग्लो बिगाड़ने आया हूँ। उधर देख, संतु जी अपने पति के साथ जा रही है। उधर उधर संतु जी, संतु जी, संतु जी, संतु जी, संतु जी, थाना है, कोई ड्रॉइंग रूम नहीं है, समझ रहे हो? और आप अंकल जी, क्या समस्या हो गया, समझाइए हमको। करिश्मा जी, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। और सुन, तेरी शादी के लिए तेरी परमिशन की मुझे जरूरत नहीं है। पापा, आपको राशिद इकबाल राशिद की कसम है, हम इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत गलत किया तूने संतो, क्योंकि तू जानती थी कि मैं उनकी कसम नहीं तोड़ सकता, है ना? इसीलिए दी है। ए बिलोटे, इस संतु जी के पूर्वज मुगल लोग थे का? का जाने किसका कसम दे दी, राशिद इकबाल राशिद का? ए निठल्ले, तुम साहित्य पढ़े हो? देखे, साहित्य देखना नहीं होता है, पढ़ना होता है। राशिद इकबाल राशिद बहुत बड़े शायर, मुझे लगता है संतोष जी के पिताजी है ना, और राशिद इकबाल राशिद के बहुत बड़े फैन है। संतोष जी के पिता को इम्प्रेस करने का मस्त आइडिया है मेरे दिमाग में। का का का, देखो राशिद इकबाल राशिद की जितनी भी शायरी है तुम बायहाट कर लो। पक्का इसे काम बन जाएगा बिलौटे? तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? हाँ, ना ना ना। फिर तोते की रट लो, सर्च कर। पुष्पा जी रिलैक्स, आपकी गलती नहीं है, एक्सीडेंट था। नहीं मैडम सर, हम गिरे उस पे ऐसे, अगर हमारे वजह से उसे कुछ हो गया तो मिराकल, मिराकल, मिराकल। क्या 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 हुआ? आप जिस मरीज से टकराई थी ना, उन्हें 30 साल बाद होश आया है। 30 साल बाद मतलब? मैडम 30 साल पहले इनका कोई पेंडिंग केस था जो कभी सॉरी नहीं हुआ, उसी सदमे में ये 30 साल कोमा में थे जो अभी उठे हैं। कौन सा पेंडिंग केस? शेर की चोरी। क्या? शेर की चोरी? अर्ज किया है, मेरे महबूब का दिल यूं ही मुंतसिर नहीं, खुशनसीबी है मेरी जो मैं उसका मुख्तार हूं। ये शेर। मैडम सर, पर ये हमारी तरफ देखकर शेर क्यों कह रहे हैं? पुष्पा जी, दुनिया में हर कोई आपको नहीं छेड़ रहा। ये और ऐसी कई हसीन शायरी चुरा ली उसने, मेरी मोहब्बत और मेरी इबादत दोनों छीन ली। किसने किसने चोरी किया ये? राशिद इकबाल। करेगा, छोड़ हमको नहीं। पहले ही बॉल पे आउट नहीं होना है, टेस्ट खेलना है। क्या करे, गरिया दे रहे हैं हमको। हिट करो उनको, बाउंड्री के पार पहुंचो। तो जाओ, आशीर्वाद है, निकलो, है ना सब लिखा हुआ। ना फेर नजरें, ना फेर निगाहें, काफिर से मेरे मौला। वाह वाह वाह, मेरे शेर, क्या शेर बोला है, वाह। ना फेर निगाहें, काफिर से मेरे मौला। मिट गया यहां, सेल्फी आ गया। ना फेर निगाहें, काफिर से मेरे मौला, माफी में भी महानता की एक अदा है। वाह वाह वाह,
वाह वाह वाह, दिल को छू लिया शील, वाह वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। वो महानता फिल्म में माधुरी दीक्षित की अदाकारी क्या लाजवाब थी। जाहिल हो तुम। शुक्रान शुक्रान, वो फिल्मों की बात नहीं कर रहा था, वो शेर पढ़ रहा था, शेर, समझे तुम? जाहिल हो तुम, बातो भी। हाँ जी, तुम राशिद इकबाल राशिद के फैन हो? फैन हो, दीवाने हैं हम उनके। मेरी बदौलत, मेरी, वो ये राशिद इकबाल से शायर राशिद हो गया। सब कुछ छीन लिया उसने, मेरा मेरा कागज, मेरी कलम, मेरी डायरी, वो शायरी जो मैंने शहनाज शहनाज। अरे अरे, संभल के संभल के, आप क्या कर रहे हैं? संभालिए ना। अरे बैठ तो गए। देखिए, आप अपने आप को संभालिए, इतने सालों से आप कोमा में थे तो आपके शरीर में कमजोरी हो गई है ना? हाँ, तो अपने आप को संभालिए और आराम से शांति से बताइए आगे क्या हुआ। शहनाज का घर राशिद के घर से लग के था, बहुत प्यार करता था मैं शहनाज से, लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया। लड़कों की ना यही दिक्कत होती है, प्यार तो करते हैं मगर बताते नहीं। आप आगे बोलिए। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर शहनाज से अपने दिल की बात करने की सोची, दिले बया पूरे शिद्दत से पन्ने पे उतारा, कुछ शेर, एक नगमा और मेरा दिल है, निकाल कर कागज के पन्नों में रख कर चूम के वो राशिद से इल्तिजा की कि जाके मेरे शहनाज को मेरे प्यार का पैगाम दे दें। वो कमबख्त पैगाम तो दिया पर मेरा नाम छुपा दिया और खुद का नाम डाल दिया। मेरी भोली शन्ना उस धोखेबाज की बातों से मुतासिर हो गई और दोनों ने क्या शादी कर ली। क्या हुआ पुष्पा जी, आप इतनी दुखी क्यों हो गई हैं? मैडम सर, अब्दुल जी की बातें सुनकर हमें लल्ला के पप्पा की याद आई। वो ना हमें हमेशा प्यार भरे खत लिखते थे, मगर किसी दूसरे की शायरी चुरा कर कभी उन्होंने हमें खत में नहीं लिखा। पर किसी ने तो इनकी शायरी चुराई। अब्दुल जी, अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो ये हमारा आपसे वादा है, हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। मुजरा फरमाइएगा। वो मुजरा नहीं होता है, वो मुलाहिजा फरमाइएगा होता है। दोनों अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, मैंने बोला था ना, ये जो बोला है वो फरमाओ। हाँ हाँ, इर्शाद इर्शाद। मेरे महबूब का दिल हर किसी को मयसर नहीं है। वाह, दर्द है इसमें। मेरे महबूब का दिल हर किसी को मयसर नहीं, मयसर नहीं है। मेरे महबूब का दिल हर किसी को यू मयसर नहीं। वाह, तो मेरे महबूब क्या हुआ, फिर चमड़ गया? मिनट गया, मिनट गया, मिनट गया, पिलाते। हाँ, एक बार फिर रिपीट करो ना, बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से। मेरे महबूब का दिल हर किसी को यूं मयसर नहीं है। खुश नसीबी है मेरी जो मैं उसका मुख्तार हूं। क्या ऐसा दीदे फाड़ के का देख रहे हो बे? हाँ, वाह 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 वाह, गालियों के बाजार से काफियों का बौछार, ये देख, ये आवाम भौचक्का हो गई। हाँ? वो जो गोलियां और जो गालियां है ना, वो बिल्ले तुम्हारे जैसे जो टोपा लोगों के लिए, समझे? अरे इतने बड़े शायर हैं, सब कायल हैं उनके, सब दीवाने हैं, हम भी दीवाने हैं क्या? बिल्कुल सही कह रही हैं आप करिश्मा जी, पूरी दुनिया में उनके फैन है। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ऐसे शेर पढ़ता है। वैसे एक बात बताऊं आपको करिश्मा जी, भाई लखनऊ आने का हमारा मकसद सिर्फ पुलपुल के लिए लड़का देखना नहीं था, उसके अलावा हमारा एक और मकसद था, यही के इकबाल साहब से मुलाकात करनी थी, बस। चिचाई तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, अपनी तमन्ना के बारे में खाली एक बार आप हमको बताए होते ना, तो ऐसे ऐसे राशिद साहब से आपको मिलवा देते। और का? हाँ, कर सकते हैं आप। अरे बिल्कुल 100% राशिद साहब को एकदम आपके सामने लाकर हूबहू खड़ा कर रहे। करिश्मा मैडम हमारा मदद करेंगी इसमें भाई,
अच्छा तो यहाँ ड्यूटी कौन करेगा? तुम्हारे चाचा करेंगे? हाँ, हम का हेल्प करें? चाचा, हम रिक्वेस्ट करेंगे मैडम से, मैडम मान जाएंगी। हाँ जोड़ रहे मैडम, हाँ जोड़ रहे, पूरे जिंदगी आपको गुलाम बन रहेंगे मैडम, आप जो कहेंगे ना। संतोष जी हो जाएगा पक्का? हो जाए। देखे, हम बोले थे ना मैडम मान जाएंगी, हम कहे थे ना कि बहुत आसान चीज है, अरे तुरंत मिलवा देंगे हम लोग भी। हमारी मुलाकात होगी रूबरू, रूबरू, रूबरू। बिल्कुल, पर्सनली चाय वाय पिलाएंगे आपको। भाइयों बहनों, यहाँ तुरंत ही मुशायरा शुरू होने जा रहा है, तो आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। क्या क्या हुआ, तुम मुझे ना ग्रहण लगा रहे हो। संतोष जी को देखा है? संतोष जी को तुम देखते हो? नहीं, नहीं दिख रही है हमको, तभी तो पूछ रहे ना तुमसे कहाँ है संतोष जी। बदनाम का है? बाप रे। अरे चाचा, आपने गुलदस्ता मंगवाया था, मैं लेकर आ गया, कोई शक? अरे टाइम पास मत करो जल्दी। जाओ जाओ तो। मार मार दिन। ला यार। ये करिश्मा मैडम आ गई। आराम से, आराम से, शांति से। एक मिनट मैडम, देखिए जनाब, साइड मैडम, अब पान ग्रहण कर लीजिए। राशिद इकबाल राशिद साहब का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आइए सब, बैठिए बैठिए बैठिए, चलिए सब बैठिए बैठिए सब। भैया बहनों, हे विलोटे, संतोष जी के बाबूजी खूब मूड में लग रहे हैं, जाकर संतोष जी का हाथ मांग ले का। अरे हाथ क्या, पूरा ही मांग ले जा। हाँ, हाथ मांगा पलट का मुंह पे मुक्का मार दिए तो। रिस्क तो है, रिस्क है तभी तो इश्क। चल विलोटे। थैंक यू। हां मार खाएगा, मतलब मेरी खुशी की। इधर थोड़ा आइए ना, हमको अकेले में बात करना है आज, इधर आइए। रुको मियां, तुम तो मैंने कहा। सुनिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुनिए, अरे हम आज किसी की भी नहीं सुनेंगे, आज हम सिर्फ इकबाल साहब की ही सुनेंगे। संभल। ये कौन है? क्या कर रहे हैं आप, ऐसे क्या चल क्या रहा है? एक मिनट करिश्मा सिंह, एक मिनट। ये हैं अब्दुल जी। अब्दुल जी एक बात बताइए, क्या ये वही रशीद है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? हाँ, ये वही नामुराद है जिसने मेरा कारोबार, मेरा क्या सब छीन लिया मुझसे। अब्दुल जी एक बात बताइए, क्या ये वही राशिद है जिसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, ये वही नामुराद है जिसने मेरा कारोबार, मेरा प्यार सब छीन लिया मुझसे। रुक जाइए। अरे लेकिन ये चोर है, पकड़ो इसे। ऐसे कैसे राशिद साहब को चोर बोल सकते हैं? अरे तंबूरा राशिद साहब, अरे चोर है ये चोर। ला हौल वला कुव्वत। हमारी इतनी पुरानी दोस्ती है, और ये कोई तरीका है सलाम दुआ करने का? और इनका ऐसा कहना है कि इनकी लिखी हुई जितनी भी नज़्में हैं, जितनी भी शायरियां हैं, जो कुछ भी है, वो दरअसल इन्होंने चुरा ली है। हसीना जी, अरे हम ऐसे कैसे मान सकते हैं? हाँ, बरसों से हम इन्हें सुनते आए, इनकी गजलें, इनकी रुबाइयां, इनकी नज़्में, हाँ, और कोई भी ऐसा हैरा गहरा इंसान आके ये कह दे कि ये नज़्में हमारी है, तो कैसे मान लेंगे हसीना जी हम लोग? अरे मेरी है। अरे बात सुना रे। अरे शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। शांत शांत। अरे ये कोई हैरे गहरे नहीं है, मेरे बहुत पुराने अजीज दोस्त हैं, सालों से हॉस्पिटल में थे। कैसे है अब्दुल मियां? तबियत, अब तुम्हारी तबियत नासाज होगी, देखना तुम्हें जेल होगी, जेल चोर, मैं यकीन से।
देखिए, इन्हें होश आ गया है लेकिन इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। इनके दिमाग को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का शॉक नहीं लगना चाहिए। 30 साल तक कोमा में थे तो दिमागी तौर पर अभी भी 1985 में है। अगर इन्हें पता लगेगा कि ये 2022 चल रहा है और इनके जीवन के 30 साल बीत चुके हैं तो इन्हें गहरा सदमा लग सकता है। हो सकता है ये फिर से कोमा में चले जाएं या फिर ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी डेथ हो जाए। डोंट वरी डॉक्टर, हम इन्हें कुछ नहीं होने देंगे। जैसे ही होश में आते हैं मुझे कॉल करना प्लीज। टीम, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अब्दुल जी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये 2022 है। इतने साल खोने का सदमा उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सिविलियंस का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा फर्ज भी है। जी मैडम सर। जी मैडम सर, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि बोल दिया और हो गया ना। मतलब हर चीज पुराने जमाने जैसा होना चाहिए ना इनके हिसाब से। तो ऑफ कोर्स करना ही होगा। इनकी मदद करने के लिए हमें जो सही लगेगा वो हम करेंगे। ये अल्लाह, ये किस बात की सजा दे रहा है उसे? मैं इसे कुछ होने नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूं, मैं होने नहीं दूंगा मैं। वाह, देखिए कितने महान इंसान है ये। आपके दोस्त ने आपको गालियां निकाली और आप उसके जवाब में उनके लिए फूल बरसा रहे हैं। वाह मैम, ऐसा इंसान मेरी नजर में कभी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ करिश्मा जी, अभी मैं चलता हूँ, शाम की महफिल की तैयारी भी करनी है। जी आप जा सकते हैं, पर राशिद जी आपको हमारी एक मदद करनी होगी। जी हसीना मैडम, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हम छोड़ कर आए। चलिए। हमें नहीं लगता कि अब्दुल गलत है, हमें इस आदमी पर शक है। लेकिन मैडम सर, आप ऐसे कैसे किसी नतीजे पर आ सकती हैं? हमें तो जितना दिख रहा है उस हिसाब से हमें लग रहा है कि इनका कुछ गलत फहमी है। तजुर्बा कहता है हमारा, मतलब ही जमाना है नफरतों के कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है पर पिलाती जहर है। अब्दुल ही सही है और ये बात हम साबित करके रहेंगे। मैडम सर, अगर आपको आपके तजुर्बे पे गुरूर है तो हमारे कारनामे भी बहुत मशहूर है। हम भी आपको ये साबित करके रहेंगे कि हम गलत नहीं है। साइड। ये कौन आया? टडन, आज से नो हनी नो बादशाह। ओनली रफी साहब, किशोर साहब, लता दीदी, सैगल साहब, नूर जहां बेगम, वाह वाह वाह, बस यही सब बजेगा। सब कुछ भरवा दिए इसमें, खाली ये बजा रहा तुम्हें। वो सब ठीक है चीता भाई, लेकिन अब्दुल मियां होश में आए कि नहीं? हम आपसे कोई गुफ्तगु नहीं करेंगे। बात क्यों नहीं कर रहा? नहीं करूंगा। मत कर, मेरा क्या जा रहा है? अरे बा बा बा, बस बस, आराम से। गुड मॉर्निंग अब्दुल। ए भाई, ये कोमा में अच्छा था। स्वदेशी का गांधी जी के रास्ते पे चलो। जय हिंद, जय हिंद। आज से हर कोई हिंदी में सलाम दुआ करेगा। हिंदी। जी 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 जी, हम इधर आइए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपसे सिर्फ हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। शुभ प्रभात। बदनाम कहाँ है? छुट्टी पे है। बदनाम, एक स्पेशल चाय। पहले चाय के पैसे 1200 दे। 1200? अब्दुल चाचा, जो बदनाम हुआ है ये कोई साधारण चाय थोड़ी बेचता है। बहुत शिद्दत से चाय बनाता है, बहुत स्पेशल चाय बनाता है, इसीलिए तो महंगा बेचता है। अरे 1200 है ना लेकिन। अरे शांत हो जा यार, शांत। अरे इन बातों में तुम ध्यान क्यों दे रहा है? 100, 200, 400, 500, 1000, खत्म कर बात को। तू दूंगा, ध्यान दूंगा, सब पे ध्यान दूंगा, इसमें सब पे ध्यान दूंगा और खास करके तुझ पे ध्यान दूंगा। तुझ पे तो कोर्ट कचेरी का केस करवाऊंगा और साथ में अपनी शायरियां भी लूंगा और साथ में अपनी शहनाज को भी लूंगा। शहनाज? हे एक मिनट अब्दुल चाचा, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? बात करने से, ऐसे कुछ बोल देने से केस थोड़ी सॉल्व होता है।
केस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा पुख्ता सबूत चाहिए होता है, समझे? अब एक बात बताइए आप हमको कि जब आप अपने गर्लफ्रेंड को महबूब को लेटर खट 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 खत लिख रहे थे, उस समय कोई और भी वहां पर मौजूद था सरकारी गवाह के लिए? खाना कौन कौन कौन? हरिलाल, कृष्णा और रामलाल। ये तीनों थे। अब तेरा कीमे का कीमा और बोटी का बोटी हो जाएगा राशिद मियां शायद। हाँ चलो तुम्हें कीमा भी खिलाता हूँ, बोटी भी खिलाता हूँ। गंदा आदमी। हेलो करिश्मा मैम। भैया राइट लेना, राइट। ओ नहीं नहीं नहीं, यूटर्न मारो, यूटर्न यूटर्न। कब से इसी जगह पे राइट लेफ्ट, सेम जगह पे ही तो हैं हम। राइट। ओ नहीं नहीं, यूटर्न मारो, यूटर्न मारो फिर से। अरे एक मिनट, रुको रुको रुको, आप रुको, रोक दीजिए भाई साहब, रोक दीजिए एक मिनट। भाई साहब सब तू क्या चल रहा है, तुम कब से एक ही एरिया में घनचक्कर की तरह हमको चक्कर लगवाई जा रही हो? एक और फेरा ले लेंगे ना, साथ कंप्लीट होकर हमारा शादी हो जाएगा इस एरिया से। नहीं मैडम, लोकेशन ठीक से ट्रेस ही नहीं हो पा रही, लेकिन यही कहीं आसपास की बता रही है। देखो संतू, कब से तुम यही चल रहा है, आसपास का बता रही है? भैया दो गवाह जो है ना वो निपट चुके हैं, और यमराज जी से पहले हमको पहुंचना उस लोकेशन पे, ताकि हम उनको जिंदा पकड़ सके और ये साबित कर सके कि इकबाल राशिद जी जो है वो बेगुनाह है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो बात को, करो कुछ, करो करो ना। तो फिर से चलते हम वहाँ पे उस तरफ। चलो चलो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी शौर और झूठ, अरे शाही टुकड़ा भी कभी खट्टा होता है क्या? और आप इस बात की तफ्तीश करने आई हैं? देखिए आपके पास आपके शौहर की कोई पुरानी नज़में, गजलें या शायरी वगैरह कुछ है? जी बिल्कुल, प्लीज दिखाइए। ये लीजिए, इसके अलावा ऐसी और भी बहुत सारी किताबें हैं। नहीं नहीं, इतनी काफी। आपके हस्बैंड ने आपको प्रपोज कैसे किया था? बेस्ट एवर प्रपोजल, सबसे अलग था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। दिखाइए। समोसा बहुत बढ़िया है, मानना पड़े। ये लीजिए, दिखाइए दिखाइए। तुझे देख मेरे नापाक इरादे भी शहीद हो गए। वाह, यूं तो आवारा थे हम, पर अब तशरीफ हो गए। मतलब काफी खुले विचारों के थे हैं, मतलब आपके हस्बैंड। एक बात बताइए, आपने ये शायरी पढ़ के हाँ कर दी? हाँ, आप अल्फाजों पे ध्यान दे रही हो और मैंने जज्बात पे ध्यान दिया। अच्छा, दरअसल उनकी गलती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हमने पाई पाई जोड़कर एक सस्ते हिंदी राइटर से ये लिखवाया था। तो मसला ये था कि जिस टाइपराइटर से लिखा गया था वो स को टा लिखता था, तो बस शरीफ हो गया तशरीफ। तो जब उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाया तो मैं अपने आप को हाँ कहने से नहीं रोक पाई। आपके शौहर काफी नसीब वाले हैं। लकी तो मैं हूँ कि वो मेरे शौहर हैं, उनकी तो बात ही सबसे जुदा है। वो दुआ है तो मैं आजान हूँ। अब हमारे लल्ला को ही लीजिए, अब क्या बताए हमारे लल्ला के आगे। कंट्रोल। एक बात बताइए, हम इस फ्रेम का फोटो ले सकते हैं फिर? जी जी बिल्कुल, ये लीजिए। जा रही है आप? हेलो जीते, सुनो हम तुम्हें एक फोटो भेज रहे हैं, उसमें जो नज्म लिखी है वो पढ़कर अब्दुल जी को सुनाओ और देखो वो क्या रिएक्ट करते हैं। ओके जाहिद। बस बस यहीं पे रुको। कहाँ? यहाँ। रुको रुको रुको, कहाँ? एक मिनट भाई साहब, यहाँ पे भी ताला लगा है, अब शायद बाहर गए होंगे, किसी से पूछते हैं। हाँ। भाई साहब इधर आइए, यहाँ जो रहती है फैमिली कहाँ शिफ्ट हो गए? इनको तो काफी समय हो गया यहाँ से शिफ्ट किए हुए। कोई एड्रेस है जिससे हमारी हेल्प हो सके? नहीं माफ कीजिए, इनके नए एड्रेस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। धन्यवाद धन्यवाद। हसीना मैडम ना, ये देख शेर शायरी भेजी है, इसको क्या करना है कि इसको हम लोग को अब्दुल्ला को पढ़वाना है।
अरे लेकिन उसको शेरो शायरी से दूर रखना है ना, नहीं तो वो वापस कोमा में। तुम अगर नहीं पढ़वाए ना तो करिश्मा मैडम तुमको कोमा में भेज देगी, तो सोच ले उसका कोमा में जाना ठीक है तुम्हारा उसका। हाँ तो चल पढ़वाओ, ले ये रखा अपने पास, रखा ठीक ठीक ठीक। तो अर्ज किया है एक शेर। अरे इतनी महान हस्ती यहाँ पर हमारी महफिल में जब बैठी है तो तुम जाहिलों को शेर पढ़ने की जरूरत क्या है? अगर शेर सुनना ही है तो राशिद इकबाल साहब से सुनिए ना। राशिद साहब ये एक शेर इरशाद फरमाइएगा प्लीज। अच्छा यानी अच्छा सुना रहा होता। हाँ ये खांसी का ही या शेर भी बोलेगा? अर्ज किया है। अर्ज किया है कि तमाम रात बीत गई ख्वाबों का इंतजार करते करते, और उसके बाद मैंने फिर वजीर यहाँ। सुभान अल्लाह, क्या हुआ हुआ, उसने तो शेर पूरा बोला ही नहीं। राशिद मियां शेर तो पूरा बोल लेते, शेर ये है, तमाम रात बीत गई यूं तेरे ख्वाबों का इंतजार करते करते, कम वक्त शेर में कम वक्त ये मेरी नींद न जाने कहां सो गई। शेर ये है, ए बिलोटे लोहा गरम है हथौड़ा मार दे। अर्ज किया है, अर्ज किया है, करो करो। तुझे देख हमारे नापाक इरादे शहीद हो गए हैं। बेहतरीन, तुझे देख मेरे नापाक इरादे शहीद हो गए हैं। पहले तो हम आवारा थे, अभी भी हो। पहले तो हम आवारा थे, अब तशरीफ हो गए। तशरीफ नहीं, शरीफ हो गए। आवारा थे, शरीफ हो गए। मैंने लिखा था, एक एक लफ्ज मेरे जहन में महफूज। झूठ बोलते हो तुम। अरे ये शायरी भी मियाँ, ये राशिद इकबाल साहब राशिद की है, समझे आप? अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये शेर मैंने लिखा है। ये शेर टाइप करते करते मेरे टाइपराइटर में तकनीकी खराबी के कारण श से पहले त टाइप हो जाता था, शरीफ की जगह तशरीफ हो गया। अरे मैंने तो टाइपराइटर के ऊपर नाम भी लिखा है। क्या नाम था वो? क्यों झूठ बोल रहे हो यार? अगर उसमें तुम्हें नाम लिखा था तो तुम्हें इसका नाम याद होना चाहिए। अरे लेकिन इस वक्त नहीं है यार, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, समझो मेरी बात को। ये झूठा आदमी, तुम झूठे हो, मैं झूठा नहीं हूँ। अरे तुम फिर आ गए यार, तुम अपनी दुकान छोड़ के यहाँ झगड़ा देख रहे हो? हाँ कल 16 अप्रैल है और मेरी बहन का निकाह है और तुम्हें बिरयानी भिजवानी है। हाँ हाँ याद है, जाओ जाओ जाओ, खुदा जाओ याद है। अरे कल 16 अप्रैल है, यानी कि आज 15 अप्रैल है। अरे मुशायरे के दिन मैंने एक शेर पढ़ा था जो राजेश खन्ना साहब को बहुत पसंद आया था, और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आज के दिन यानी 15 अप्रैल के दिन जो उनका मुजाकरा है यानी कि इंटरव्यू, उस दिन वो मेरा शेर पढ़ेंगे, साथ में मेरा नाम भी लेंगे। आपको देखना है क्या वो? नहीं, दिखाना है कि असली शायर कौन है। अब राजेश खन्ना साहब ही बताएंगे कि असली शायर कौन है। अब राजेश खन्ना कौन बनेगा? अरे हिला के तोड़ दो क्या तुम? आओ जरा, आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ पुष्पा जी आप रेडी है ना? अच्छी लग रही है। अरे हम तो तैयार है, मगर ये राजेश खन्ना को कौन तैयार करेगा? संतोष शर्मा सब रेडी है ना? जी। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे जो भी शूट होगा डायरेक्ट अपने थाने की टीवी पे टेलीकास्ट होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा। चहेते सितारे के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सदी के सुपरस्टार, सदी के महानायक राजेश खन्ना जी का। आइए आइए बैठिए। तो कैसे हैं आप राजेश जी? हाँ हाँ आप तो ठीक ही होंगे। कैसे राजेश खन्ना, बीमार है क्या? राजेश जी पिछला जो भाग था वो आपके शेर पे खत्म हुआ था, तो हम चाहते हैं कि ये हिस्सा भी आपके शेर से ही शुरू हो। तो अर्ज किया है, इरशाद इरशाद इरशाद, अर्ज किया है, अर्ज किया है। मैडम जी मैडम मुझे कंप्लेंट लिखवानी है।
इधर इधर आए भैया, इधर देखिए, बोलिए क्या हाँ बोलिए बोलिए, क्या कंप्लेंट लिखवाना, बोलिए हमसे। देखिए मैं एक राइटर हूँ और मेरा एक एड कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था जिसके अनुसार 5 साल बाद उन्हें मुझे 10 लाख रुपए देने थे, आज 15 अप्रैल 2022 को, पर आज वो देने से मना कर रहे हैं। क्या ये 2022 चल रहा है, 1985 नहीं है? अरे नहीं बाबा, कहाँ 1985, 2022 चल रहा है। अभी को मम्मी मत जाना। देखिए देखिए मिस्टर अब्दुल हमारी बात सुनिए। देखिए दरअसल सच्चाई ये है कि आप पिछले 30 सालों से कोमा में, अभी अभी जागे हैं 2022 में। डॉक्टर्स ने हमें मना किया था कि ये सच्चाई हम आपको बताएं, इसलिए हमने ये सारा ड्रामा किया है। मेरी जिंदगी की कीमती 30 साल ये इसी में चले गए। देखिए अब्दुल, हम आपको समझाते हैं। नहीं नहीं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं भाई, अभी कुछ नहीं, सब ठीक। माफ करना दोस्त, गलती हो गई दोस्त। 30 साल पहले जो मैंने कंप्लेन लिखाई थी मैं वापस लेता हूं। किस्सा चल। अरे दोस्त, अरे मेरे मेरे दोस्त, अरे सुनो तो। इकबाल साहब, इकबाल साहब, तुमको केस लिखवाना था रे, आओ और लिखवाओ ना, मुंह का ताकरा, आओ जरा, आओ जरा। टाइमिंग, चलो। नहीं, हमारे इस महिला पुलिस थाने में कभी भी कोई भी केस वापस नहीं लिया जाता, सिर्फ सॉल्व होता है, और इस केस की जड़ तक भी हम पहुंच के रहेंगे। प्रणाम। आदाब। आप लोग, फिर से कोई मसला हुआ है क्या? नहीं 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 नहीं, राशिद साहब जो है वो महिला पुलिस थाना में अपना बटुआ भूल आए थे, तो इसी को लौटाने आए हम। लीजिए। अच्छा अच्छा, सुनिए जी, आपका बटुआ मिल गया है। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई आप यकीन नहीं करेंगे, इस बटुए के चक्कर में सारा घर छान के फेंक दिया हमने। अब आप लोग यहाँ तक आए हो तो थोड़ा घर में भी तशरीफ लाइए। नहीं नहीं नहीं, हाँ, हाँ, ऐसा नहीं। हम लोग बहुत देर हो, थोड़ी खिदमत का मौका हमें भी दीजिए। हाँ दे दिया। आइए आइए, चाहो तुम चले, इन लोगों के लिए ठंडा लेकर आओ। आइए प्लीज, आइए सर। बेटी और सुनाइए भाई, कैसे हैं आप सब लोग? हम तो बस बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? आपकी शायरी कैसी है? आपकी नज़में कैसी हैं? गज़लें कैसी? और वो जो अब्दुल मियां है वो कैसे? बस हम दुआ करते हैं कि वो कोमा से फिर से फुल स्टॉप न हो जाए। गजब आदमी, पहला बार जिंदगी में शरबत उठाया है क्या तुम? क्या कर दिया तुम? नहीं हम बात कर रहे थे। क्लीन कर लो वॉशरूम इस तरफ। आइए आइए मेरे साथ, पियो पियो तुम। लौटा भी ना, खाना देख के पगला जाता है। से करता कभी जूस मिल भी नहीं किया है। शहनाज, अगर ये टाइपराइटर रसिया के पास है तो उस वक्त क्या नहीं बताया? हाँ चीता बोलो। जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, सुबह में अब्दुल जो है ना एक टाइपराइटर का जिक्र किया था जिसमें कुछ तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से शौक के पहले तो टाइप कर देता था, इसीलिए शरीफ का तशरीफ हो गया था। वो टाइपराइटर वा ना रशीदा के घर पर है मैडम, हम देख लिए हैं, उस पर जो नाम लिखा हुआ है ना वो शहनाज है। मैडम हमको आप खाली ऑर्डर दीजिए मैडम, अभी अभी चवन बाहर रशीदा को ना गिरफ्तार करके लेकर आते हैं हम। नहीं नहीं सुनो सुनो, रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करना, हम बताते हैं क्या करना है, ठीक है? ध्यान से सुनो। जय मान। इतने सालों बाद ही सही, पर अब्दुल को वो इंसाफ मिलकर रहेगा जिसके वो हकदार है। जलेबी, वाह राजीव साहब, आपने घर में रेस्टोरेंट बना लिया है। और बेटा साफ हो गया? जी जी बढ़िया से एकदम साफ उफ कर लिया। भाई लीजिए, हमारी बेगम ने आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी बनाई है। ये आपका बड़प्पन है कि आपको हम लोग का फिक्र है, हम यहाँ पर रुक के खा लेंगे। लेकिन क्या है ना कि अभी हमको मैडम सर का फोन आया था, महिला पुलिस थाना में वो अफ्तार का आयोजन किए और वो चाहती है कि आप भी हम लोग के साथ चले और वहीं पर चल के रोजा खोले। तो ये पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, अगर आप हम लोग के साथ चले तो। इफ्तारी की तैयारी तो हमने घर में भी की है ना। अरे भाई पुलिस वालों का इनविटेशन है, टाल भी तो नहीं सकते।
जाना पड़ेगा भाई, चलेंगे आएंगे भाई, जरूर आएंगे, आप लोग बुलाएं और हम ना आए। चल चलिए, ये पार्सल नहीं, ठीक है ये बटरफ्लाई ही लेके जाते हैं, थैंक यू। हाँ हाँ संभाल के रखिएगा, वो चीता कहाँ रहे? आ गए सुरेंद्र चा, आ गए। सिर्फ जबान चला रहे हो, हाथ नहीं चलाओगे? सब आते ही होंगे, अभी देख लो सब आते। क्या आ गए हैं अब्दुल जी, हटो हटो, रास्ता तो अब्दुल साहब के लिए। अब्दुल साहब आइए, कम 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 कम, वेलकम अब्दुल साहब, इस पे बैठिए। चीते पता लगा लिया राशिद जी कहाँ हैं? हाँ मैडम सर, आ ही रहे रास्ते में। अरे इकबाल साहब आइए, राशिद सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और कैसी है तबीयत आपकी? अब ठीक है जी। आप लोग हमारे इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। S.H.O हसीना मलिक का बुलावा है, आना तो पड़ेगा ही भाई। जी शुरू कीजिए। हाँ शुरू कीजिए। ए वो पनीर ला, पनीर खजूर से शुरू कर। खजूर वैसे आप ही का जिक्र हो रहा था पूरे टेबल पे। अच्छा जी, हमारा जिक्र हो रहा था। जी 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 जी, क्या जिक्र हो रहा था भाई? अरे भाई यही कि आपके जैसा शायर पूरे लखनऊ में नहीं मौजूद। ये तो हाँ हाँ, लेकिन अब्दुल जी भी कम नहीं है। हाँ हसीना जी भाई मान गए, लेकिन इकबाल साहब से बेहतर नहीं है अब्दुल साहब। लेकिन लेकिन सुरेंद्र चा, ये बात अभी सिद्ध कहा हुआ है कि दोनों में से बेहतर कौन है? तो साबित कर देते हैं। हाँ सच में, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, क्या अब्दुल में? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई अब्दुल साहब की तबीयत नासाज है, आप मुकाबले की बात कर रहे हैं, ये तो गलत। नहीं रहने दीजिए। हम ऐसे कैसे जाने दे, आपके हुनर का नमूना सब देख लेंगे और किसी को भी थोड़ा भी डाउट होगा ना वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी हाँ, तो ख्वातीन और हजरत, आज की शाम शायरी के नाम, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद है दो बहुत ही उम्दा शायर, एक जो कि गुमनाम है और दूसरे जिनका नाम कहने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो अपने आप में इतने मशहूर। तो प्लीज तालियों के साथ स्वागत कीजिए अब्दुल जी और राशिद इकबाल राशिद जी का। और इस मुकाबले को जज करेंगे नवाब साहब। मैं दरख्वास्त करूंगी राशिद जी से कि वो यहाँ आए और इस मुकाबले को शुरू करें। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, मुशायरे की तो कोई बात ही नहीं हुई थी भाई, ये नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं राशिद, आपको पान चाहिए? ऐ बदनाम, पान दो इनको। हाँ, ला ला ला, दे दे। सुरेंद्र चा, सुरेंद्र चा, संतोष, संतोष जी कहाँ है? हम साइबर कैफे भेजे हैं उन्हें, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके गाँव भेजने थे। संतोष जी कहाँ? अरे ये सब एकदम से अचानक से हो गया है ना, और आप तो जहाँ बैठ जाते हैं महफिल तो वहीं जम जाती है। हाँ दीजिए महफिल। हाँ हाँ, ये कोई बात नहीं हुई करिश्मा जी, बात मुकाबले की है और उसमें तैयारी करना पड़ती है, और हमने कोई तैयारी नहीं की है इसलिए ये हम नहीं कर सकते। मैडम हम सुनो, अर्ज किया है, मैं नींद बनूं तुम मेरा ख्वाब बन जाओ, मैं नींद बनूं तुम मेरा ख्वाब बन जाओ, इन सर्द रातों में मेरा लिखाव बन जाओ। क्या बात है, मैं कैद में हूं अब तक तेरी जुदाई के गम में, जो मैं कैदी बनूं तुम मेरी रिहाई बन जाओ। बहुत खूब बहुत खूब। राशिद जी अब तो आ ही जाइए। राशिद साहब बोलिए बोलिए। तो अर्ज है जी, जी।
के यूं ही नहीं गहरे हुए ताल्लुकात मुख्तार यूं ही नहीं गहरे हुए ताल्लुकात मुख्तार से। वाह, ये तो दर्द दिल है, जज्बात है सारा। वाह 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 भाई वाह। जी अब्दुल जी, अब आपकी तरफ से। सब उनमें से नहीं होते जो मोहब्बत को इज्जत देते हैं, वो इज्जत ही क्या जो मोहब्बत के साथ ना चले। लेकिन रशीद साहब तो कुछ बोल जी कुछ बोल नहीं रहे। कोई बात नहीं, अब्दुल जी सुना देंगे, आ जाइए। मैं आखिरी शेर से इस खूबसूरत मुशायरे की शाम खत्म करना चाहता हूँ। जी जी जी। अर्ज किया अपने दिल के बयास पर तुम्हें हर रोज लिखता हूँ, कुछ मुख्तसर तो कुछ तवील फसाने लिखता हूँ। वो हर एक पल जो हमने साथ गुजारा उस एक एक पल का हिसाब में रखता हूँ। रंगे बहार का मौसम तो है आमे दरमियां, तल्ख हकीकतों को भी शुमार रखता हूँ। तो क्या हुआ वो दर्द था जो तुमसे मिला था, वो तुमसे मिला था इसलिए अजीज रखता हूँ। तो आज की जो शाम थी बड़ी खूबसूरत और हसीन थी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो मुशायरा हुआ इसका जो मुकाबला हुआ उसको अब्दुल जी ने बहुत शानदार तरीके से जीत लिया। क्या बात है, क्या बात है। मुझे एक बात की बड़ी हैरानी है कि राशिद भाई आपने अपना शेर सही ढंग से नहीं पढ़ा। नवाब साहब ये बेचारे पढ़ तो तब पाएंगे ना जब ये खुद शेर शायरी लिखना जानते होंगे या खुद का कुछ लिख कर रखा होगा, और ये बेचारे जितना पढ़ पाए वो भी उतना ही पढ़ पाए जितना हम लिख कर दिखा पाए। ये देखिए, हॉल विदा कुवत है रे, धोखा रे, तुम जो है शेर पढ़ते हो वो भी देख के, शर्म नहीं आती तुमको? बहुत हो गया, अब हम यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो बेगम। अरे राशिद साहब, राशिद जी आज भी धोखा दिया। राशिद हम तो दोस्त थे ना यार, फिर बताना आज तक क्यों किया तूने ऐसा? राशिद बताना आज क्यों किया राशिद? बताइए राशिद साहब। राशिद साहब बोलिए। क्योंकि मैं इससे जलता था, इसकी काबिलियत से, इसके हुनर से, क्योंकि हर मामले में मुझसे ये आगे था। लेकिन एक बार मैं सिर्फ इससे जीतना चाहता था, जीतना। ये क्या बोल रहे हैं आप कि ये सच है? राशिद दोस्ती में जीत हार नहीं होती यार। अरे एक बार बोल दिया होता मुझसे, पाक परवर दिगारे आलम की कसम, अपना शेर, अपनी नजम, अपना प्यार सब कुछ निछावर कर देता तुझे। अरे पीठ में छुरा घोंपने की क्या जरूरत थी यार? मेरी जलन जो थी ना वो इतनी बढ़ गई थी कि मैं तुझे हमेशा हराना चाहता था। शहनाज के जो शेर थे उससे मैंने अपनी दिल की बात शहनाज से की, और
शनाज़ को मैंने अपना बना लिया और तेरे हिस्से का जो प्यार था मैंने अपनी झोली में डाल लिया। इसका मतलब वो लव लेटर और शायरी अब तूने लिखी थी? जिस प्यार को मैंने इतना महफूज रखा था तो वो सब झूठ था राशिद। प्लीज प्लीज आप संभालिए अपने आप को। अब्दुल जी, हम पहले से ही जानते थे कि आप सही हैं, लेकिन लोगों को यकीन दिलाने के लिए आपका हुनर सामने आना जरूरी था। इसलिए हमने जो है ये नाटक किया था ताकि हमें ये पता चल जाए कि असली चोर कौन है और असली शायर कौन है। एग्जैक्टली। और राशिद जी, झूठ के पांव कभी भी ज्यादा देर तक टिकते नहीं, इसलिए आपने खुद ब खुद अपना सच उगल दिया। अब्दुल जी, सालों पहले आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और इस तरह की हरकतें, इस तरह की धोखेबाजी न जाने कितने कलाकारों के साथ होती है। इसीलिए संविधान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक अलग से प्रोविजन बनाया गया है ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। बहुत सालों में बहुत कुछ बदल गया अब्दुल जी, आप किसी दिन फुर्सत में आइए, आपको फुर्सत में समझाएं। मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकती? मेरे दोस्त, तू मुझे माफ कर सकता है क्या? और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, इतना कुछ किया आप लोग ने मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और राशिद, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ यही मेरे लिए काफी है। और शहनाज, इसे माफ कर दो, देखो उसने सबके सामने माफी मांगा है। हसीना जी, आपके बारे में, आपकी पूरी टीम के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसके लिए एक सलूट तो बनता है। संभाल के जाना, आपकी ट्रेन का टाइम हो गया। बेटा, लेकिन जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था ना, वो काम पूरा नहीं हो पाया है मेरा। क्या सुरेंद्र चाचा? रास्ता में खाने के लिए आपके लिए टिफिन लेकर आए हैं, लीजिए लीजिए, ये लीजिए पानी, पानी का बोतल है, ये लीजिए खाना खाइएगा ना, उसके बाद मुँह पोछ लीजिएगा, मुखवास है एकदम, इससे सब एसिडिटी का गोली है इसमें, चश्मा इसमें, सब दे दीजिएगा संतु जी। चाचा चाचा, ये सब चाचा, सफर में अपना ख्याल रखिए, और जाते ही खिड़की से रुमाल अपने सीट पर फेंक करना, सीट छेक लीजिएगा, बहुत खराब लोग रहता है। रिजर्वेशन है। देखिए आपका दमाद कितना ख्याल रखता है आपके। क्या? कुछ नहीं चाचा, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए सुरेंद्र चाचा। फिर भी मुंह में बड़बड़ाते रहता है। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। क्या? बताइए बताइए बताइए, पापा से बताइए, पापा से बताइए। थोड़ा पर्सनल है, पीछे हटेगा? हटो पीछे पीछे। हाँ बोल बेटा। पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों क्यों शादी नहीं करना है संतु जी? नहीं, ये शादी, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ ना। क्यों पापा? कुछ सपने हैं जो मुझे पहले पूरे करने। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तू जहाँ काम कर रही है वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, तेरे साथी जो तेरा तेरा कितना ख्याल रखते हैं, तुझ पे जान छिड़कते हैं, बहुत शिद्दत से छिड़कते हैं। बेटा, अब मुझे तेरी कोई चिंता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दो बेटे हैं, एक रवि और दूसरा ये चीता, कोई चिंता नहीं है मुझे। सामान अंदर रखो ना यार, ट्रेन छूट जाएगा तब रखेगा सामान इनका। चाचा निकलिए, आप निकलिए। अरे बहुत देर हो गई, टाइम है अभी तो। नहीं नहीं, रखना यार सामान, रखना, ट्रेन छूट जाएगा इधर। चाचा निकलिए आप। चीनी ची क्यों रहा है? निकालिए इनको, ट्रेन छूट जाएगा। चाचा लो सुनो, चाचा जाइए जाइए, सुनो जाइए, ख्याल रखना बच्चा अपना। हां फड़ा फड़ा जाइए, आराम से लेके जाना।
अरे आज इतना सन्नाटा क्यों है? लखनऊ शहर की गलियां इतनी खाली कैसे? इस देश में जिस चीज का दीवानगी है ना मैडम सर, आज वो है। क्या कोई फिल्म रिलीज हुई है? किसकी? नहीं नहीं मैडम सर, आज क्रिकेट मैच है ना, तो आज सब अपने घरों की टीवी से एकदम चिपके हुए हैं, इसलिए कोई है नहीं, देखो एकदम सन्नाटा है। ओ हाँ, आज तो वो एमएस वर्सेस सम्राट कोहली का मैच है, हम भूल ही गए, स्कोर लगाइए। एक मिनट, हम क्रिकेट के फैन के साथ बैठे और हमें पता नहीं है, आपको पसंद है, ये लीजिए लगा देते हैं। लक्ष्य मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं है चोपड़ा साहब। मनजीत सिंह की धुआंधार 45 बॉल में 65 रन की पारी ने चेन्नई स्टार्स को एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचाया है। बिल्कुल सही, बैंगलोर मैवरिक्स के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, पर सम्राट कोहली का रिकॉर्ड है 70% जीत चेस करने में ही हासिल की है उन्होंने। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? अरे मैडम सर, ये भी क्या बात कर दिया आपने, एक ही बंदा जीतेगा जो है कूल कैप्टन एमएस। करिश्मा सिंह आप शायद भूल रही हैं, अभी अभी उन्होंने कहा कि 70% जीत हासिल की है चेस से सम्राट कोहली ने। ओहो, मतलब आपको सम्राट पसंद है? पसंद है, सम्राट कोहली तो हमारी मोहब्बत है। मोहब्बत? हमको तो लगा कि आपको एमएस पसंद होगा, क्या वो भी कूल कैप्टन है और आप भी कूल कैप्टन है यहाँ पे, तो इस हिसाब से तो आपको भी सम्राट कोहली पसंद आना चाहिए, क्योंकि वो भी अग्रेसिव और आप भी अग्रेसिव। But I think opposites attract. एकदम से ना ऐसे मैच देखने का इच्छा हो गया मन। हाँ, मन हमारा भी बहुत कर रहा है, पर अब क्या करें? पुलिस वालों के पास इतनी आजादी कहाँ होती? चलिए थाने। अरे करिश्मा सिंह, ये क्या कर रही हैं आप, गाड़ी क्यों घुमा दी? इसलिए कहा है कि आपका जो घर है वो पीछे ही पड़ता है, आप आराम से घर जाइए और चद्दर तान के मैच देखिए। थैंक यू करिश्मा सिंह, बट हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर थाने में कोई केस आ गया। हमें तो लगता है आज मुजरिम भी जो है ना वो भी मैच ही देख रहे होंगे, कोई क्राइम नहीं करेंगे वो, और कुछ हुआ भी तान संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, अब जाइए, आपको छुट्टी दिया। अच्छा, तो अब एक ऐसा SHO को छुट्टी देगी? अच्छा, तो अब एक ऐसा SHO को छुट्टी देगी? सॉरी मैडम सर। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम मस्ती कर रहे थे। उर्मिला के बाद से ना ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है हमारे अंदर, हम थोड़ी मस्ती करने लगे। चलिए चलिए। वैसे थैंक यू हमें थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत उसका नौबत नहीं बढ़ेगा मैडम सर, आप आराम से मैच देखिए। लीजिए घर आ गया, चलिए हम निकलते हैं। मम्मी को प्यार दीजिए। बिल्कुल, आज जाकर देखेंगे मैच। और हाँ, एक और बात करिश्मा सिंह जी, जीतेगा तो सम्राट ही। सपनों में मैडम सर, आज MS का देना, आज MS जीतेंगे। ठीक है देखते हैं। कौन है? पुष्पा जी कहाँ है? पुष्पा जी, हाँ चीति का फोन आया था, उनको होटल में बुला लिया है। क्या होटल? हाँ, काहे? होटल में वो खाना खाने के लिए बुलाए, आप भी खाना खाने के लिए जाओ, तब तक हम टीवी का आनंद लेते हैं। पर दो और बचा। प्लीज रिमोट दे दो। तुम्हारे चाचा का घर है क्या ये, जो तुम मटर गश्ती करो अपने दोस्तों को बुला के यहाँ पे, क्या चल रहा है ये सब? हाँ, ये थाना है समझे, और थाना आज हमारे कंट्रोल में है, और जब चीजें हमारे कंट्रोल में होती है तो पता है ना क्या होता है। एकदम ताबड़तोड़। हाँ, और शुरुआत तुम दोनों से, उससे पहले तुम दोनों कटो अभी के अभी। ए बिलवा, स्कोर बताना कितना हुआ, कौन जीता? रे बाप रे, जैन मैडम सर। जैन करिश्मा सिंह, कोई केस आया है क्या? नहीं नहीं मैडम सर, कोई केस नहीं आया, आपको एक छुट्टी मिली, आप उसमें भी इतना काम के बारे में सोच रही, आप आराम से चैन से मैच देखिए मैडम सर, मजे कीजिए आप। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी हो तो हमें बताइए, हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। मैडम जल्दी से बाहर चलिए। का है, तुम्हारा बारात आ गया है क्या? अरे मैडम बारात ही समझिए क्या है, दरअसल पुष्पा जी ना गाड़ी भरकर मुजरिम लेकर आई है। क्या मैडम सर, हम आपको कॉल करते हैं। ठीक है, क्या करिश्मा सिंह? अरे